गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी लोग। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक की वीडियो बनाने की कोई वैसा खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कल रात से जो है इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे, जो कि जानना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के थंबनेल पे वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा कि दुबई एयरपोर्ट ही बंद हो चुका है, दुबई एयरपोर्ट बंद हो चुका है। अब वो कन्फ्यूज है कि दुबई एयरपोर्ट क्या वाकई में बंद हो गया है, कुछ लोग आने वाले हैं कुछ लोग जाने वाले हैं। ये है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग मैसेज कर रहे थे कि बताइए 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 इसका क्या होगा, क्या बंद है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीडियो देख के आते हैं उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, या फिर हमारे कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कि घुमा घुमा के ज़्यादा सटीक अगर बात की जाए ना एक लाइन में, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो गाइस, एक्चुअली बात यह है कि एयरपोर्ट कोई बंद नहीं है, एयरपोर्ट के एक रनवे है, क्योंकि 9 जुलाई से 22 जून के बीच में एयरपोर्ट का जो रनवे है वो बंद रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उसका रिनोवेशन का काम होना है, ठीक है। बाकी जो लोग जैसे आ रहे हैं जैसे जा रहे हैं उनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आप लोग कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका दुबई एयरपोर्ट से कोई आपका फ्लाइट का टिकट है तो आप एक काम करिए, आप कंफ्यूज ना होइए। जिस भी एयरलाइंस का आपका टिकट है आप उस एयरलाइंस के हेल्पलाइन पर सिंपल सा कॉल कर लीजिए, ठीक है। और जब आप वहाँ पे कॉल कर लेंगे तो आपको वो खुद ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, कोई 45 डेज़ के लिए कोई पूरा एयरपोर्ट नहीं बंद है, सिर्फ रेनोवेशन के लिए अभी वो बंद किया गया है, ठीक है। और लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर ट्रेवल कर रहे हो, चाहे इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल या दुबई से इंडिया या फिर दुबई से आप अपनी होम कंट्री जा रहे हो, तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा टाइम एडवांस में एक्स्ट्रा में लेके चलिए, ठीक है। ये ना करिए कि आप एक अपने एग्जैक्ट टाइम पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे लेट लपेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वजह इसका यह है क्योंकि अभी अभी करंट टाइम पे कोविड का जो है पैंडेमिक की वजह से जो आरटीपीएसआर टेस्ट लग रहा था वो अभी ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से अभी जो लोगों का आना जाना है वो एक तरीके से तांता लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा अपना समय लेके चलिए, क्योंकि समय वहाँ पे लग रहा है। तो और आगे की चीज़ें सारी ठीक है, और 45 डेज का जो बंद है वो मैंने बताया आपको कि रिनोवेशन के कारण बंद है। फ्लाई दुबई ने ऐसा अनाउंस किया है, खलीज टाइम्स के ऊपर भी इसका न्यूज़ आया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। फिलहाल इन्फॉर्मेशन यही थी, और बाकी जो भी आपको पढ़ना है आप खलीज टाइम्स में जाइएगा, मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप चेक करिए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।